हेलो, अगर आपको ये दरवंजा दर्पण में जो ऑफिस बीयरर्स होते हैं इसको ऐड करने में कोई दिक्कत आ रहा है तो उसके लिए आप ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। हम लोगों ने अभी ऐड किया, तो अगर आप लोगों को ये ऐड करने में कोई दिक्कत आ रहा है तो बिल्कुल हम लोगों को फ़ोन कीजिए या फिर कॉन्टैक्ट कीजिए नीचे दिए गए नंबर पर, और मेल पे हम लोग आप लोगों को ये जो मेम्बर्स वो ऑफिस बीयरर्स का जो डिटेल्स ऐड करना है उसका डिटेल्स भेज दीजिएगा, तो बाकी हम लोगों की तरफ से कर दिया जाएगा। और ये कंसल्टिंग फ़ीस हम लोग का मिनिमल है 599। ये कंसल्टिंग फ़ीस आप लोग पे करके ये सर्विस ले सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो अभी ने आप लोगों ने देखा कि ये तीन मेंबर अभी हम लोगों ने ऐड किया, तो इसमें अभी भी यही इरर है। और ये इरर इसलिए है, एक्चुअली इसको इरर नहीं बोल सकते, इसको प्रोफेशनल टास्क कहा जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं होता है जिन बंदे को ये इरर दिखता है या फिर सेव नहीं होता है डाटा, तो उसको वो प्रोफेशनली ही कर रहे हैं वो काम, कुछ ना कुछ उसको गलत हो जा रहा है या फिर फॉर्म फिलिंग में उसको थोड़ा दिक्कत आ रहा है या कुछ मिस्टेक कर रहा है, उसके वजह से ही ये दिक्कत होते हैं कि सब डाटा नहीं होते हैं पूरे डिटेल्स भरने के बाद भी। तो ये प्रोसेस मैं आपको अभी जैसे दिखा रहा हूँ, इस तरीके से करने से मतलब हम लोग की तरफ से अगर हम लोग ये प्रोफेशनली करेंगे तो ये ऐड हो जाता है, जैसे कि अभी हम लोगों ने ऐड किया। तो इसके लिए आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे, मैं आपको और एक बार दिखा देता हूँ। तो ये डिटेल्स है, जैसे मैं मेंबर्स पे क्लिक करूँगा इसको इसमें आपको दिखेगा कि कितने मेंबर्स हमें हम लोगों ने ऐड किया, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो सब हम लोगों ने कर लिया है। ये बार बार पोर्टल थोड़ा दिक्कत देते हैं, ऐसा नहीं है कि पोर्टल में भी दिक्कत चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है, इसीलिए ये इस तरीके का इरर दिखा देता है। नहीं तो इरर किस लिए दिखा रहा है वो भी मेंशन किया जाता है इस पे, वो मेंशन शो नहीं हो रहा है, पता नहीं चल रहा है कि क्या कमी हो गया। तो अभी 100% हम लोग का हो गया, हम लोग अभी ये क्लिक है टू अपडेट योर एनजीओ पोर्टल या फिर हम लोग यूनिक आईडी जो है जनरेट कर सकते हैं। तो इसमें दिखा देते हैं हम लोगों ने जो भी ऐड किया है, अभी हाल ही में 10-12 और ये सोसाइटी के एनजीओ का हम लोगों ने किया है, तो आपका भी आसानी से कर दिया जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं इसमें हम लोगों ने ऐड कर लिया है, जो मिनिमम क्राइटेरिया है ये जो तीन है इसका हम लोगों ने ऐड कर लिया। अभी हम लोग जनरेट यूनिक आईडी में क्लिक करेंगे तो उसमें ही हम लोग ये यूनिक आईडी जनरेट कर पाएंगे। ये प्रोसेस है, किसी को अगर हम लोग को सर्विस चाहिए तो आप लोग ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे दिए गए हैं उसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यह हम लोगों का कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, और इस मेल में आप लोग डिटेल्स भेज भेज सकते हो या फिर व्हाट्सएप में भी भेज सकते हो।